नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। करवा चौथ का पर्व जो है धूमधाम से हमारी जो माताएं हैं वो मनाती हैं, और चांद जो है उसे देखने के लिए बेताब रहती हैं, भूखी रहती हैं, और कुछ ही समय बाद चांद जो है वो निकलने वाला है। वैसे बादल है लेकिन फिर भी आपको ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें आप देखें कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें देखें कितनी सजी सबर। ये हम सभी नारियां जो हैं वो दिख रही हैं। एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमारी इन नारी शक्ति के लिए दो शब्द ज़रूर कहें, क्योंकि अगर ये ना हो तो आज हम भी ना हो, ये संसार भी ना हो, ये खूबसूरती जो एहसास हमारे शरीर में जिस फील को हम करते हैं वो इनकी वजह से हम वो कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो शायद ही हम किसी एहसास को कर पाएंगे। कुछ परंपराएं होती हैं फास्ट को, क्योंकि फास्ट रखने के बाद उसे जब तोड़ा जाता है तो कुछ परंपराएं होती हैं जिसे फॉलो किया जाता है, और उन्हीं परंपराओं के साथ ये सारे उन्हीं परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। और हाथों में देखें इन्होंने थालियां ली हैं, थालियों में क्या क्या है, दीपक है, इसके अलावा और भी कुछ छोटा सा गड़बा है, और भी कुछ इन्होंने रखा हुआ है, नारियल है। Thank you.
माता जी ये उनके व्रत तोड़ने वाले हैं? ये व्रत नहीं नहीं हाँ ये व्रत ही तोड़ दिया ना। अच्छा। चंद्रमा देख के चंद निकलता तो फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना, पानी पीना नहीं, कुछ नहीं खाना। अच्छा नहीं ये जड़ी ये जो भी करा करते हैं ये थोड़े ये बारे सुनाओ कि करा करते हैं कई लोगों के नहीं पता कि क्या ये कोई अर्घ दया करते हैं या क्या करा करते हैं उसके बारे थोड़ी जानकारी दे दो। सारा पता अच्छा अब यहाँ बैठेंगे हमारे पास ये हमें थोड़ा आप जानकारी देंगे कि ये जो परंपरा है ये क्या परंपरा है और ये क्या किया जा रहा है अभी? नहीं नहीं कोई बात नहीं छोड़ दो छोड़ दो कोई बात नहीं। अच्छा ये मुझे बताएंगे ये अभी फास्ट तोड़ रहे हैं? नहीं अभी ये व्रत पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देना है, उसके बाद जाके ये जो व्रत उतारेंगे सली खोलेंगे उससे पहले ये पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद चंद्रमा देखेंगे। जब तक चंद्रमा को नहीं देखेंगे तब तक ये व्रत नहीं खोलेंगे। ये तो चंद्रमा आज बादल हैं तो चंद्रमा दिखेगा ना फिर? पर हमने तो वेट तो करना है, जब तक हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा तब तक हम ये व्रत नहीं खोलेंगे। तुम मान लो अगर चंद्रमा नहीं आता तो फिर आप भूखे रहोगे? नहीं हमें वेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो दिख ही जाते हैं चंद्रमा भी कुछ होता है। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ आप। हाँ इनको इनको जाने दो। हाँ अच्छा फिर सभी ने ये व्रत रखा, सबको पता है भगवान चंद्रमा दिखाई देंगे और जरूर दिखाई देते हैं। नहीं मुझे एक बात और जाननी है कि व्रत जब आप रखते हो तो इससे कोई एनर्जी मिलती है, कैसे भूखे पूरे दिन रह लेते हैं? ये सब भगवान जी की कृपा होती है, ये व्रत रखना होता है। भगवान जी की कृपा होती है कि पतिदेव की? पतिदेव की भी कृपा होती है तो, और ये चंद्रमा की कृपा होती है, इससे सारी औरतें व्रत रखती है। और जब तक ये चंद्रमा को नहीं देखते तब तक ये व्रत नहीं खोलेंगे। चंद्रमा को देखेंगे उसके बाद पतिदेव को देखेंगे उसके बाद ये व्रत को खोलेंगे। ये आपने फास्ट रखा? नहीं नहीं मैंने नहीं रखा। नहीं ये इन्होंने फास्ट रखा है, छोटी बच्चे नहीं रखते? इन्होंने रखा। आपने रखा? अच्छा ये आपने किसके लिए फास्ट रखा? मैंने भगवान जी के लिए। अच्छा नहीं अच्छा पति मिले कि भगवान? नहीं अच्छा पति नहीं, ऐसे ही मैंने अपने मन के लिए गणेश भगवान जी के लिए रखा है। अच्छा तो ये अच्छा ये एक परंपरा, ये पुरानी कोई परंपरा? हाँ ये काफी देर पुरानी परंपरा है, ये काफी देर से चलती आ रही है, ये आज तक ये रख रहे हैं लोग, काफी लोग रख रहे हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए रख रहे हैं ये। चलो ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे, तस्वीरें देखें आप। कुछ ना कुछ मन्नत तो ये मांगते ही होंगे, अब मालूम नहीं क्या मांगते हैं क्या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मन्नत मांगते होंगे। और आज चांद दिख नहीं रहा है, आ जाओ बहुत।
अच्छा हमसे हमसे कौन बात करेगा? नहीं मुझे मुझे थोड़ी जगह दो ना, ये हमारे कैमरा में, तुम चप्पलें खोल के सामने आ सकते हो, तुम सामने आ सकते हो, हाँ आ जाओ। अच्छा आपने आज फास्ट रखा है, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये फास्ट साल में एक बार आता है और जितनी भी सुहागने हैं वो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए ये व्रत रखती है। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ ये व्रत हर साल मनाया जाता है और सुख शांति का प्रतीक है, और हम आशा करते हैं कि हर साल सबके जीवन में ये त्यौहार अच्छी खुशियाँ और प्यार और समृद्धि लेके आए। आप टीचर हो? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ नहीं, आपकी बातचीत से लग रहा है ज़्यादातर औरतें बोलने में थोड़ा शर्माती हैं, उसका कोई विशेष कारण है? नहीं नहीं, ये आप कह लीजिए, आई एम अ बॉर्न स्पीकर। लेकिन ये पतियों के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, पति आपके ब्रेकफास्ट रखने से खुश होते हैं? करवा चौथ वाले दिन खुश रहते हैं कि हाँ करवा चौथ? बहुत खुश रहते हैं। मुझे लगता है मैं एक बहुत ही लकी पर्सन हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे हस्बैंड हैं जिन्होंने मेरा हर टाइम पर हर काम में सपोर्ट दिया है। मैंने अपनी सारी पढ़ाई इनफैक्ट शादी के बाद ही कंप्लीट की है, अपनी डॉक्टरेट, अपनी पोस्ट डॉक्टरेट सारी उन्हीं की सपोर्ट की वजह से है। और मेरी इन लॉज, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सम वंडरफुल पीपल अराउंड मी, सो मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा है बहुत अच्छे से। जी जी। लेकिन एक एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, पति नहीं कहते कि थोड़ा कम खर्च करना? नहीं, आई थिंक मैं इतनी समझदार हूँ कि मुझे पता है कि कहाँ और कैसे खर्च किया। जनरल पूछ रहा हूँ सबके लिए कि थोड़े पति नहीं कंफ्यूज होते हैं कि यार अब व्रत आ रहा है इतने ज़्यादा पैसे खर्च आएंगे? नहीं नहीं, मुझे लगता है जितनी भी औरतें हैं बहुत ही अच्छे से और पूरे अपने दिमाग लगा के ही सारी चीज़ें अपने हिसाब से लेती हैं, और अगर कर भी रही हैं तो साल में एक ही दिन है, आई थिंक इतनी छूट तो उन्हें मिल ही सकती है। कोई और बात करना चाहता है? नहीं, ये देखो कितने शर्मा रहे। अच्छा अंत में आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो फास्ट रखती हैं जी। तो उनको कुछ समझाना चाहेंगे आप? मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी जब मेरी एंगेजमेंट होने ही वाली थी उससे पहले जो त्यौहार आया था तभी मैंने रखना शुरू किया, उससे पहले मैंने कभी भी नहीं रखा था फास्ट। और अपनी श्रद्धा है, अगर वो रखना चाह रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें रखने दीजिए। और जो भी टाइम हमें भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतने पेंडेमिक के क्राइसिस से हम निकल कर बाहर आए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी को बहुत बहुत मुबारक है इस एक मुबारक दिन की। जो दारू पी के नाली में गिरे रहते हैं पति, उनके उनको क्या कहेंगे? सर मेरा इस बारे में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सभी की तस्वीरें दिखाओ, सारे खुश हैं। आ जाओ। पति शराब पी के मेरी तरफ मुझे दिखाना, पति जब शराब पी के नाले में गिरते हैं तो उनको लेकर पत्नियां बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और काफ़ी लड़ाई भी करती हैं कि ये लोग समझेंगे, लेकिन ये नहीं समझते हैं, और कितना भी प्रयास कर लो नहीं समझते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप समझें, अगर ये नारी शक्ति ना होती तो हम ना होता होते, ना ये संसार होता, ये जो अनुभव आप कर रहे हो ये भी अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। बाकी आप देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दो इजाज़त। नमस्कार।